हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं HRTC के एक और सुपरफास्ट बस रूट का वर्चुअल टूर। हम बात कर रहे हैं ऊना शिमला सुपरफास्ट बस की। ये सर्विस रोहडू चामुंडा जितनी फेमस तो नहीं है, पर स्पीड में उसे कड़ा मुकाबला ज़रूर देती है। ऊना से राजधानी शिमला तक चलने वाला HRTC का ये रॉकेट बहुत तेज है, तो इस वीडियो को ज़रा दिल थाम कर देखिए। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, ऊना हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा ज़िला मुख्यालय है जो कि पहाड़ों में नहीं, मैदानी इलाके में है। राजधानी शिमला तक पहुंचने के लिए भी ज़्यादातर सफ़र मैदानी इलाके में ही हैं, तो ऐसे में ये बस काफ़ी तेज़ी से अपना सफ़र तय कर लेती है। ये बस हिमाचल प्रदेश से शुरू होकर पंजाब व हरियाणा राज्यों से निकलती हुई राजधानी शिमला पहुंचती है। ऊना से शिमला के लिए दो सुपरफास्ट बसेस अवेलेबल हैं, एक सुबह 5 बजे और दूसरी सुबह 7 बजे। हमारा सफ़र होगा सुबह 5 बजे वाली बस में, इसीलिए मैं सुबह 4:30 बजे यहाँ ऊना बस स्टैंड पहुँच गया हूँ। ऊना बस स्टैंड हिमाचल प्रदेश के सबसे बिजी बस स्टैंड्स में से एक है। यहाँ पर पूरी रात व दिन यानी 24 घंटे बसेस का आवागमन होता रहता है। अभी शिमला वाली बस की टिकट्स मिलना भी शुरू हो गई हैं, काफ़ी लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे आप ऊना शिमला सुपरफास्ट बसेस की टिकट्स ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, फिर आपको यहां पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। जल्दी ही फिर शिमला जाने वाली बस भी यहां पर आ गई। और बस तो यहाँ ऊना से ही ऑलमोस्ट फुल हो गई है। हमारी ये बस नालागढ़ बद्दी इंडस्ट्रियल बेल्ट में से होती हुई जाएगी, तो ज़्यादातर वहीं की सवारियाँ हैं। इस तरफ ये दिल्ली डलहौजी वॉल्वो भी यहाँ पर पहुँच गई है। और ठीक 5 बजे हमारी बस ऊना से शिमला के सफ़र पर निकल पड़ी। बस के ड्राइवर या आप यूं कहो पायलट हैं मिस्टर सचिन उर्फ सनी। हमारी बस तो यहाँ आज ऊना से ही फुल हो गई है और अभी कुछ लोग खड़े होकर भी ट्रैवल कर रहे हैं। ऊना से शिमला की दूरी 220 किलोमीटर है और ये बस ऊना से चलकर नंगल, नालागढ़, बद्दी, कालका, परवाणु, धर्मपुर व सोलन होते हुए शिमला पहुँचती है। ऊना से शिमला का बस किराया 345 रुपये है।
फिर जल्दी ही हमारी बस पहुंच गई महतपुर। यहां भी कई लोग इस बस का वेट कर रहे थे। महतपुर के बाद फिर पंजाब शुरू हो जाता है। ऊना से महतपुर की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। और ये हैं हमारी बस के कंडक्टर अंकुश जी। आज पूरी बस भरी हुई है तो ये टिकट्स काटने में बिजी हैं। यहाँ नया नंगल में फिर थोड़ा डाइवर्जन लेकर जाना होता है और इस रोड की हालत भी काफ़ी ख़राब है, लेकिन हमारी सुपरफास्ट बस फराटे भरती हुई यहाँ से निकल गई। पाँच बजकर 20 मिनट पर हम नंगल पहुंच गए और यहां भी कई सवारियां बस के इंतज़ार में खड़ी थीं। नंगल से आगे अब आनंदपुर साहिब तक हमें इस तंग सी सड़क से होकर जाना होगा, क्योंकि मेन रोड फ्लाईओवर की कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है। लेकिन इन तंग सड़कों पर भी हमारी बस की रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जहां बड़े वाहनों को पास करना हो, वहां थोड़ी स्पीड कम करनी ही पड़ती है। इस रोड पर सुबह सुबह इन ट्रक से पास लेना भी आसान नहीं है। एक ट्रक से पास लो तो आगे एक और ट्रक मिल जाता है। दोस्तों, इस सेक्शन के स्पॉन्सर हैं अभी बस, इंडिया की 4.6 स्टार रेटेड ऐप, जिसपे इंडिया में जहां भी आपको जाना है हर जगह की बस मिलेगी। यहां आपको 15 मिनट में रिफंड और 500 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऐप पर आपको सारी RTC यानी गवर्नमेंट बसेस और प्राइवेट बसेस मिल जाएंगी। मतलब मेरी तो फेवरेट ऐप है ये, क्योंकि यहां आपको ढेरों बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, हमारा कूपन कोड यूज़ करके पाएँ 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। फिर आनंदपुर साहिब में हम दोबारा मेन रोड पर पहुंच गए। सुबह सुबह तो इस रास्ते से आने में कम समय लगा, लेकिन दिन या शाम को तो ये स्ट्रेच काफ़ी टाइम लेता है। खैर, अब हम मेन रोड पर आ गए हैं और हमारी बस अब तेज़ गति से आगे जा रही है। छः बजकर 10 मिनट पर हमारी बस कीरतपुर साहिब पहुंच गई। यूँ मान लीजिए कि नंगल के बाद जो उस अल्टरनेट रोड से आना पड़ता है तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, वरना बस और 10-15 मिनट पहले यहां पहुंच जाती है। हमारी बस सबको पछाड़कर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। अभी आगे भरतगढ़ के बाद हमें नालागढ़ की ओर मुड़ जाना है, तो अभी इस 4 लेन में जितना टाइम कवर कर लें उतना सही रहता है, क्योंकि आगे फिर परवाणु तक तंग रोड की वजह से टाइम लग जाता है।
फिर भरतगढ़ में हम इस 4 लेन नेशनल हाईवे को छोड़कर मुड़ गए नालागढ़ की ओर। और इस तरफ मुड़ते ही 1 किलोमीटर आगे आ जाता है हिमाचल पंजाब बॉर्डर। यहाँ हिमाचल एंट्री का बैरियर है पर HRTC बसेस का एंट्री टैक्स नहीं लगता, इसीलिए हमारी बस दूसरी साइड से निकल गई। और अब हम ज़िला सोलन में पहुँच गए हैं। ये रोड भी थोड़ा तंग है पर हमारी बस तो जो आगे आ रहा है सबको पछाड़ कर आगे निकल जा रही है। फिर 6:25 पर हम पहुंच गए नालागढ़। ऊना से नालागढ़ पहुंचने में हमें करीब 1.5 घंटा लग गया। यहाँ नालागढ़ में अभी कुछ महीने पहले ही ये नया बस स्टैंड बना है। हालांकि हमारी बस का यहाँ ज़्यादा लंबा स्टॉप नहीं है, सवारियाँ पिक एंड ड्रॉप करके बस आगे निकल जाएगी। ये नालागढ़ का मेन चौक है और पुराना बस स्टैंड भी यहीं पर होता था। जिन लोगों को यहाँ से सोलन व शिमला साइड जाना होता है वो सब इसी बस का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि सबको ऑफिस टाइम में जल्दी ज़िला मुख्यालय या फिर राजधानी तक पहुँचना होता है। और हमारी बस से नालागढ़ में जितने पैसेंजर्स उतरे थे उतने ही और चढ़ भी गए, तो बस तो ऊना से अब तक स्टैंडिंग पैसेंजर्स के साथ ही चल रही है। अब आगे बद्दी में शायद थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी। सुबह का समय है इसीलिए इस नालागढ़ बद्दी रोड पर ट्रैफिक थोड़ा कम है, वरना अभी 1 घंटे बाद तो यहाँ इतना ट्रैफिक हो जाएगा कि स्पीड बन ही नहीं पाती। ये आगे से आ रही है परवाणु बिलासपुर बैजनाथ बस। BBN यानी बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। यही नहीं, BBN एशिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब भी है। हिमाचल प्रदेश को इस औद्योगिक क्षेत्र से अच्छा खासा रेवेन्यू भी मिलता है, मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ इस सड़क की हालत नहीं सुधर पाई है। यहाँ घंटों जाम में फंसे रहना, हादसे होना आम बात हो गई है। अभी हाल ही में पिंजौर बद्दी नालागढ़ नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने का काम शुरू हुआ है, लेकिन ये पूरा कब तक होता है ये देखने वाली बात है। चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन प्रोजेक्ट का काम भी प्रस्तावित है। अगर ये दोनों काम प्राइमरी बेसिस पर हो जाएं तो इस रोड का लोड काफ़ी कम हो जाएगा। खैर, हमारे ड्राइवर सचिन भाई तो आज अलग ही मूड में हैं। ये आज किसी को नहीं बख्श रहे और एक के बाद एक ओवरटेक हो रहे हैं, और हो भी क्यों ना, इसीलिए तो ये सुपरफास्ट बसेस जानी जाती हैं।
यहाँ लोग कई बसेस छोड़कर स्पेशली इन्हीं बसेस का वेट करते हैं, क्योंकि आजकल वक्त किसी के पास नहीं है, सबको जल्दी पहुँचना है। छः बजकर 50 मिनट पर हम पहुंच गए बद्दी। यहाँ काफ़ी पैसेंजर्स बस से उतर गए। बद्दी से निकलते ही आगे ये हिमाचल प्रदेश का एंट्री टोल है। हम अभी हिमाचल प्रदेश से बाहर निकलकर हरियाणा में एंटर हो जाएंगे। दरअसल ये ऊना नालागढ़ बद्दी सारा एरिया पंजाब व हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ दूसरे राज्यों में से होकर ही जाना पड़ता है। अभी 7 बज रहे हैं और सूरज भी निकल आया है। इसके बाद हम पहुंच गए पिंजौर। वैसे तो इस बस का रूट वाया कालका है, पर आजकल नवरात्रि चल रही है तो कालका माता मंदिर में भीड़ की वजह से शहर के अंदर से जाने पर प्रतिबंध है, इसीलिए हमारी बस कालका परवाणु बाईपास से होकर जाएगी। अब हमारी बस पहुंच गई है नेशनल हाईवे 05 पर। भरतगढ़ से यहाँ पिंजौर तक ट्रैफिक से डील करना एक बड़ी समस्या है। अगर ये स्ट्रेच भी 4 लेन बन जाए तब तो ये ट्रैवल टाइम आधा रह जाएगा। और यहाँ हम फिर से हिमाचल प्रदेश में एंटर कर गए। हमारी बस में अब सभी लोग बैठे हुए हैं, वरना पिंजौर तक तो बस पूरी तरह पैक ही थी। रोड्स अब चौड़े हो गए हैं तो अब रफ्तार भी बढ़ी है। इन सुपरफास्ट बसेस में HRTC के सबसे एक्सपीरियंस ड्राइवर्स को ही भेजा जाता है, जिन्हें इन रूट्स पर सालों का एक्सपीरियंस होता है। रेगुलर ट्रैवल करने वाले लोग तो बाकी कई बसेस को छोड़कर इन सुपरफास्ट बसेस का ही वेट करते हैं, ताकि समय पर डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएँ। इन सुपरफास्ट बसेस के कुछ गिने चुने स्टॉप्स ही होते हैं, मतलब रास्ते के कुछ मुख्य शहरों या फिर कस्बों के स्टॉप ही टिकट मशीन्स में ऐड होते हैं, इसलिए इनमें लोकल पैसेंजर्स कम ही बैठते हैं। भले ही रोड अब 4 लेन हो गए हैं, पर मोड़ बहुत हैं और काफ़ी लोग गाड़ियां लेफ्ट लेन में पार्क करके चले जाते हैं। ऐसे में बड़े वाहनों से ओवरटेक ध्यान से ही करना पड़ता है। खैर, जल्दी ही हम इस प्राइवेट बस से आगे निकल गए। सनवारा के पास फिर हमारी बस रुक गई ब्रेकफास्ट के लिए। हेलो
चलो जी चलो। 8 बज गए हैं और ऊना से नॉनस्टॉप चले हुए हमें 3 घंटे हो गए हैं। अब इस डिंपल ढाबा पर किया जाए नाश्ता। बस के स्टाफ सचिन भाई और अंकुश भाई के साथ बैठकर ही मैंने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया। यहाँ पर बस 15-20 मिनट का ब्रेक था और अब बस फिर से उड़ने के लिए तैयार है। फिर जल्दी ही हम पहुंच गए धर्मपुर। यहाँ धर्मपुर से ये लेफ्ट की ओर रोड कसौली के लिए जाता है। इसके बाद आता है कुमारहट्टी। यहाँ कुछ पैसेंजर्स ड्रॉप करने थे, इसीलिए बस फ्लाईओवर के नीचे से होकर गई। बड़ोग बाईपास पर 4 लेन की 1 लेन रिपेयर के चलते बंद है, जिसकी वजह से अप एंड डाउन दोनों ट्रैफिक इसी रास्ते से आ रहे हैं। और ये सामने दिखाई देने लगा है सोलन शहर। आठ बजकर 55 मिनट पर हम पहुंच गए मशरूम सिटी सोलन। खुम्ब यानी मशरूम उत्पादन के लिए सोलन देश भर में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे खुम्ब का शहर या मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। राइट में ये सोलन का बस स्टैंड है, लेकिन शिमला जाती बार बहुत कम बसेस ही सोलन बस स्टैंड के अंदर जाती हैं। और यहाँ बस स्टैंड के बाहर सवारियों को उतार कर हमारी बस आगे निकल गई। चंबा घाट में ये कालका शिमला टॉय ट्रेन की पटरी है। यहाँ पर भी फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। सोलन से आगे फिर 4 लेन अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो ट्रैफिक से डील करना पड़ता है। पर हमारी बस का तो हिसाब ही अलग है, ये जैसे तैसे पास ले ही लेती है। न
9:20 पर हम पहुंच गए कंडा घाट। यहाँ की मार्केट थोड़ा तंग है तो 2-4 मिनट तो यूं ही वेस्ट हो जाते हैं। कंडा घाट ही वो जगह है जहाँ से साधु पुल व चायल के लिए रोड डाइवर्ट होता है। वाकना घाट व शोघी होते हुए अब हम पहुंच गए हैं तारा देवी, और अब सामने शिमला शहर भी दिखाई देने लगा है। ये शिमला से दिल्ली जाने वाली वॉल्वो भी यहां से निकल गई। भाई चक्कर है, कोई चक्कर करो सेन। 10 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं शिमला। ये लेफ्ट में ऊपर वाला रास्ता बिलासपुर की तरफ जाता है। ये है टूटीकंडी क्रॉसिंग। लेफ्ट की ओर ये रास्ता जाता है शिमला मेन सिटी, और रोहडू व रामपुर की ओर बस स्टैंड के लिए हमें यहाँ से नीचे की ओर जाना है। तुम नहीं हट सकता भाई। रामपुराला नहीं जी उत्तर के। और इस बस स्टैंड वाले रोड पर बसेस ही बसेस खड़ी रहती हैं। यहाँ शिमला में पार्किंग एक बड़ी समस्या है। फिर 10:10 पर हम पहुंच गए ISPT टूटीकंडी शिमला। आगे ये नाहन डिपो की पौंटा साहिब शिमला सुपरफास्ट बस। ऊना से सुबह 5 बजे चलकर ये सुपरफास्ट बस 10-10:30 के बीच शिमला पहुंच जाती है। इसके बाद जो दूसरी बस है वो सुबह 7 बजे ऊना से शिमला के लिए चलती है और दोपहर 12:30 तक यहां पहुंच जाती है। ऊना के साथ साथ नंगल व नालागढ़ बद्दी के लोगों को भी इन बसेस का काफ़ी फ़ायदा है, वरना बाकी बसेस तो इस ट्रैवल में काफ़ी समय लेती हैं। ये बस अब दोपहर 12:30 शिमला से ऊना के लिए निकलेगी। अभी ये बस ऊना वाले काउंटर पर लग गई है। इतने में ये प्रागपुर शिमला सुपरफास्ट बस भी यहाँ पहुँच गई, जिसका ब्लॉग हमने कुछ दिन पहले ही प्रस्तुत किया था। ड्राइवर प्रवेश भाई ही हैं। हाँ जी आया। एक मिनट साढ़े बारह हो गए हैं और अब बस यहाँ शिमला से वापस उड़ान भरने के लिए तैयार है। पायलट सचिन भाई अपनी सीट पर बैठ गए हैं और अपने निर्धारित समय पर बस शिमला से निकल पड़ी। चलो व
वापसी में भी बस की रफ्तार वैसी ही है और एक के बाद एक गाड़ियां ओवरटेक हो रही हैं। और ये 7 बजे वाली ऊना शिमला बस भी यहाँ पहुँच गई है। इस 7 बजे वाली बस को बद्दी नालागढ़ में हैवी ट्रैफिक से जूझना पड़ता है, इसीलिए ये कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम ले लेती है, वरना स्पीड तो इसकी भी इसी तरह होती है। साढ़े 12 बजे शिमला से चलकर बस 2:15 बजे पहुंच गई सोलन। अब यहां बस स्टैंड के अंदर से होकर जाएगी। फिर बद्दी नालागढ़ रोड पर सुबह की बजाय शाम को ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन बस जैसे तैसे अपना रास्ता बना ही लेती है। और यहाँ बस बद्दी बस स्टैंड में कुछ देर के लिए रुकेगी, क्योंकि यहाँ से चलने का समय अब 3:50 का है। आगे ये परवानो डिपो की शिमला पठानकोट बस है, जो कि हमारी बस से 50 मिनट पहले शिमला से निकली थी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बद्दी नालागढ़ से एक बड़ा रेवेन्यू हिमाचल प्रदेश सरकार को जाता है, मगर यहाँ के बस स्टैंड की हालत आप देख ही सकते हैं। यहाँ तो 10 मिनट खड़े रहना भी इतना मुश्किल है कि क्या कहूँ। कोई भी बस निकलती है तो धूल का बवंडर उड़ा कर जाती है।
खैर 3:50 पर हमारी बस यहाँ से आगे चल पड़ी। और हमारे कंडक्टर अंकुश भाई टिकट्स काटने में बिजी हैं। इन BS6 बसेस में सीट नंबर 2-3 नहीं है और इस तरफ सिर्फ एक ही सीट है, तो मुझे और अंकुश भाई को बारी बारी ये सीट शेयर करनी पड़ रही है। मैं तो अभी गर्म बोनट पर बैठा हूँ। चार 20 पर हम पहुंच गए नालागढ़। यहां नालागढ़ में हमारी बस 2 के लिए ही रुकेगी। जो लोग डेली ऊना से नालागढ़ बद्दी ट्रैवल करते हैं वो तो बस इसी सुपरफास्ट बस का वेट कर रहे होते हैं। और जल्दी ही बस नालागढ़ से चल पड़ी। और इसी स्पीड के साथ बस पंजाब में पहुंच गई। भरतगढ़ में हम पहुंच गए 4 पर। अब आगे का सफ़र थोड़ा स्मूथ है। इसके बाद नंगल होते हुए शाम 6 बस वापस ऊना पहुंच गई, यानी 5.5 में। ऊना नंगल के लोगों के लिए नालागढ़ बद्दी या फिर सोलन शिमला जाने के लिए ये 2 सुपरफास्ट बसेस काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, जो कि लोगों का काफ़ी समय भी बचाती हैं। अपर शिमला एरिया में जाने के लिए भी ये बसेस काफ़ी सही हैं, क्योंकि आगे फिर रोहडू रामपुर या फिर रिकॉम्पियो की बसेस आसानी और वक्त से मिल जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। ऊना से शिमला और वापसी का ये सुपरफास्ट बस का टूर आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।